जिले में डेंगू का लार्वा तेजी से पैर पसार रहा है, जहां पर जिसकी वजह से पूरा शहर इसकी चपेट में आ चुका है। प्रशासन और सरकार द्वारा जन जागरण अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में जगह जगह फैली गंदगी और घरों के आसपास जमा पानी डेंगू के लार्वा को बढ़ने में मदद पहुंचा रहा है। कैंट विधायक अशोक रोहाणी ने कार्यकर्ताओं के आह्वान किया है कि जनता से अपील की है कि सभी घर के आसपास सफाई व्यवस्था बनाए रखें। उन्होंने कहा है कि घर के आसपास पानी जमा न होने दें और सभी जागरूक रहें, जहां पर दूसरों को भी जागरूक रखें। और कैंट विधायक के निर्देशन पर पूर्व मंडल अध्यक्ष संजय ठाकुर और कार्यकर्ताओं ने बस्तियों कॉलोनियों में दवा का छिड़काव है और नागरिकों से डेंगू के लार्वा को नष्ट करने की साफ सफाई व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की है। जबलपुर अपने आसपास जबलपुर में डेंगू वायरल बुखार और मलेरिया चिकनगुनिया जैसी मौसमी बीमारियों को देखते हुए आज नगर निगम की टीम के साथ विधानसभा में गिरहरी में दवाई का छिड़काव और साफ सफाई स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम प्राथमिकता पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ और नगर निगम की टीम के साथ किया। इस अभियान में जन जागरण के माध्यम से लोगों को सावधानी बरतने के लिए भी निवेदन होगा, क्योंकि डेंगू और इसमें लावा जो इकट्ठा होता है उसके विनिष्टीकरण का होना बहुत ज़रूरी है। और नगर निगम की टीमें हर जगह कुकरों में जो पानी भरा है, कहीं पर भी जो पानी भरा है उसको जमा हुआ लावा विनिष्ट कराना बहुत ज़रूरी है और इसी से डेंगू पनपता है। मैं सभी से अपील करता हूँ डेंगू से बचाव के लिए मात्र रास्ता पर सावधानियाँ बरतें और अगर वायरल फीवर होता है तो तुरंत जाते हैं। जी भैया, आज कैंट विधानसभा के लोकप्रिय विधायक सम्मान्य श्री अशोकेश्वर दाजी रोहाणी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलेगी कि सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो जबलपुर शहर में डेंगू फैल रहा है उसकी रोकथाम करने के लिए दवा का छिड़काव किया और जन जागरण के माध्यम से जागरूक किया। घर के आसपास स्वच्छता रखें, पुराना जो जल भराव है उसको खाली रखें। सभी ने वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।